हेलो दोस्तों, आज आप देख रहे हैं अपना चैनल जीएस स्पार्क और जीएस स्पार्क के बैनर तले हम आज फिजिक्स का सेगमेंट लॉन्च कर रहे हैं। और फिजिक्स के सेगमेंट का ये जो चैप्टर हम लॉन्च करेंगे वो हमारा होगा मेजरमेंट का, मापन का। ठीक है, हमें क्या आज पढ़ना है? मेजरमेंट को पढ़ना है, मापन को पढ़ना है और मापन को जानने की कोशिश करेंगे। क्योंकि इस चैनल पर आपको एक सर्टेन टाइम इंटरवल पर बार बार आपको अगले जो है टॉपिक्स मिलती रहेगी। और अगर आपको यह टॉपिक्स अच्छी लगती है तो चैनल को प्लीज लाइक करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा। ओके, और अपना जो भी कमेंट हो इस पर जरूर दीजिएगा, अच्छा या बुरा, जो भी आपको लगे। अगर क्लास अच्छी लगती है तो वो भी बताइएगा और क्लास में अगर कोई कमी भी नजर आती है तो वो भी बताइएगा। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं मेजरमेंट से, मापन से। ठीक है, किसी भी वस्तु के हमने आपको बताया था कि मापन क्या है। मापन को जानने के लिए एक चीज हमने आपको बताया था कि जिस प्रकार भावनाओं के आदान प्रदान के लिए किसकी आवश्यकता होती है, भाषा की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार वस्तुओं के आदान प्रदान के लिए किसकी आवश्यकता होती है, मापन की आवश्यकता होती है। मापन के लिए हमको दो चीजों को जानना जरूरी है, एक वस्तु के आंकिक मान को समझना जरूरी है और दूसरा वस्तु के मात्रक को समझना है। जैसे मान लीजिए अगर मैं अपना वेट मानूं कि मेरा वेट 50 केजी है तो 50 में दो चीजें सम्मिलित हैं, एक 50 किलोग्राम यानी 50 जो है ये क्या है, आंकिक मान है और किलोग्राम क्या है, मात्रक है। अब आपको मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि ये किलोग्राम को अगर हम किसमें कन्वर्ट कर दिए, ग्राम में कन्वर्ट कर दिए, तो ऐसी स्थिति में ये जो 50 है वो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, बदल जाएगी, यानी 50 से ये क्या हो जाएगी, 5000 हो जाएगी। क्लियर हुआ? इसी प्रकार अगर हम इसको क्विंटल में कन्वर्ट कर दें, क्विंटल में कन्वर्ट कर दें तो हमको पुनः 50 में कितने का भाग देना होगा, 1000 का भाग देना होगा। तो इस प्रकार हमारा ये क्विंटल में बदल जाएगा, 50 बटे समथिंग जब करेंगे तो ये हमारा क्विंटल में बदल जाएगा। इसी प्रकार हम दूसरा सेगमेंट देखें कि जैसे 10 मीटर हमने लिया है, 10 मीटर, 10 मीटर में जो आंकिक मान है वो कितना है भैया, 10 है, और मीटर जो है वो हमारा क्या है, यूनिट है, क्या है, यूनिट है। अब इस मीटर को हम किसमें अगर बदल लें, सेंटीमीटर में बदल लें तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 10,000 सेंटीमीटर हो जाएगा। इस प्रकार हम आज ये समझ पाए कि आंकिक मान और मात्रक का संबंध क्या होता है। किसी भी आंकिक मान और मात्रक, अगर आंकिक मान का मात्रक में गुणनफल कर दें तो ये सदैव क्या होगा, कॉन्स्टेंट होगा, नियतांक होगा। यानी अगर आंकिक मान, आंकिक मान जो डिपेंड करेगा वो किस पर निर्भर करेगा, मात्रक पर निर्भर करेगा। मात्रक बदलेंगे आंकिक मान बदल जाएगा। आंकिक मान और मात्रक के ही संबंध सदैव क्या होते हैं, नियतांक होते हैं। और इसी आधार पर हमने एक फॉर्मूला हमको याद करना होगा कि अगर आंकिक मान को हम यन से इंडिकेट करें और मात्रक को किसे रिप्रेजेंट करें, यू से रिप्रेजेंट करें, तो यन इंटू यू बराबर क्या होगा, कांस्टेंट होगा। इस प्रकार हम लिख सकते हैं n1 u1 बराबर n2 u2 बराबर .. nx ux। और इस थ्योरी, इस फॉर्मूले की मदद से हम किसी भी न्यूमरल्स को यानी किसी भी वस्तु की यूनिट को दूसरे यूनिट में हम क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। ओके, हमने मापन के बारे में समझा, आंकिक मान को समझा, मात्रक को समझा, और अब हम समझेंगे फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में, यानी भौतिक राशियों के बारे में कि भौतिक राशियां हैं तो आखिर क्या है। भौतिक राशियां दो प्रकार की होती हैं, एक जो होती है, एक को हम क्या कहते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज कहते हैं, और दूसरे को हम क्या कहते हैं, डिराइव्ड क्वांटिटीज। क्या बोलते हैं, डिराइव्ड क्वांटिटीज, यानी फंडामेंटल का मतलब मूल राशि और दूसरे का मतलब मूल राशियां और ये व्युत्पन्न राशियां। दोनों को हमको समझना होगा कि मूल राशि क्या है और व्युत्पन्न राशि क्या है। मूल राशि के बारे में हमको ये जानना होगा कि मूल राशि किसे कहते हैं। मूल राशि वे राशियां हैं जो किसी अन्य पर क्या नहीं करती, निर्भर नहीं करती हैं, जबकि व्युत्पन्न राशियां हमेशा किन्हीं मूल राशियों से मिलकर ही क्या की जाती हैं, बनाई जाती हैं।
जैसे मूल राशियों के बारे में अगर हमको जानना है तो लंबाई एक प्रकार की क्या है, मूल राशि है। द्रव्यमान एक प्रकार की क्या है, मूल राशि है। समय एक प्रकार की क्या है, मूल राशि है। ताप एक प्रकार की क्या है, मूल राशि है। विद्युत धारा एक प्रकार की क्या है, मूल राशि है। ज्योति तीव्रता क्या है, मूल राशि है। जब शुरुआत में जब मूल राशियों की बात की गई थी तो केवल 6 मूल राशियां थी, लंबाई था, द्रव्यमान था, समय था, ताप था, विद्युत धारा था और ज्योति तीव्रता था। लेकिन बाद में इसको क्या किया गया, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता के बाद एक और मात्रक को जोड़ दिया गया, जिस एक और राशि को जोड़ दिया गया जिसका नाम है पदार्थों की मात्रा। यानी इस प्रकार अब हमारे पास कितनी मूल राशियां हो गई, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। यानी टोटल कितनी राशियां हो गई, 7। मूलतः पहले कितनी थी, 6, अब कितनी हो गई है, 7। अब इन मूल राशियों के सहयोग से अगर कोई नई राशि उत्पन्न की जाती है, जैसे हमने आयतन, आयतन एक प्रकार की नई राशि है। घनत्व एक प्रकार की क्या है, नई राशि है। जब इनके सहयोग से कोई नई राशि उत्पन्न की जाती है, ठीक है, तो जैसे चाल एक प्रकार की नई राशि है, वेग एक प्रकार की नई राशि है, तो इन राशियों को हम क्या कहते हैं, व्युत्पन्न राशि कहते हैं। यानी मूल राशियों के जुड़ने से क्या उत्पन्न होती है, व्युत्पन्न राशियां उत्पन्न होती है। अब इसी प्रकार हमको ये जानना होगा कि मूल राशि के जो मात्रक होंगे उसको हम क्या बोलते हैं, मूल मात्रक कहते हैं। क्या कहते हैं, मूल राशियों के मात्रक को हम क्या कहते हैं, मूल मात्रक कहते हैं। जैसे लंबाई का जो हमारा मात्रक होता है वो क्या होता है, मीटर होता है। द्रव्यमान का हमारा मात्रक क्या होता है, किग्रा होता है। समय का हमारा मात्रक क्या होता है, सेकेंड होता है। ताप का हमारा मात्रक क्या होता है, केल्विन होता है। और विद्युत धारा का हमारा मात्रक क्या होता है, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। और ज्योति तीव्रता का मात्रक हमारा क्या होता है, केडिला होता है। और पदार्थों की मात्रा का मात्रक हमारा क्या होता है, मोल होता है। इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, समय का मात्रक सेकेंड, ताप का मात्रक केल्विन, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, ज्योति तीव्रता का मात्रक केडिला और पदार्थों की मात्रा मोल। क्लियर हुआ। इसी प्रकार जब व्युत्पन्न राशियों के जो मात्रक होंगे, व्युत्पन्न राशियों के जो मात्रक होंगे उनको क्या बोलेंगे, व्युत्पन्न मात्रक कहेंगे। जैसे आयतन बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। लंबाई का मात्रक भी मीटर, चौड़ाई का भी मात्रक मीटर और ऊंचाई का भी मात्रक मीटर। इस प्रकार ये हो गया मीटर क्यूब और मीटर क्यूब हमारा क्या हो गया, व्युत्पन्न मात्रक हो गया। इसी प्रकार अगर हम चाल की बात करें तो चाल बराबर, चाल कहिए या वेग कहिए, चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी का मात्रक हमारा क्या होता है, मीटर। और समय का मात्रक क्या होता है, सेकेंड। तो दूरी बटा मीटर प्रति सेकेंड, यानी यहां पे हमारा दूरी बटा समय मीटर प्रति सेकेंड, यानी इसका हमारा मात्रक हो गया मीटर पर सेकेंड। इसी प्रकार वेग का भी आप देखेंगे कि हमारा मीटर पर सेकेंड ही होता है। इस प्रकार हम यह समझ पाएंगे कि मूल राशियां क्या है, व्युत्पन्न राशियां क्या है, व्युत्पन्न मात्रक क्या है और मूल मात्रक क्या है। इस मूल राशियों में जो ये मूल राशियां 7 हैं, इसके अतिरिक्त दो पूरक राशियां भी होती हैं, जो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं पूरक राशियां। एक होता है कोण और एक होता है घन कोण। और कोण का मात्रक क्या होता है, रेडियन होता है। और घन कोण का मात्रक क्या होता है, स्टे रेडियन होता है। क्या होता है, स्टे रेडियन होता है। इस प्रकार आज आपने समझा कि मात्रक क्या है, आपने मापन के तरीकों को समझा। यानी तीन बातों का ध्यान हमको देना होगा मापन के लिए, पहला आंकिक मान क्या है, दूसरा मात्रक क्या है, तीसरा हमको यह समझना होगा कि भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती हैं। आप जानेंगे कि ये दो प्रकार की होती है, एक मूल राशियां होती हैं, एक व्युत्पन्न राशियां होती हैं। मूल राशियों का मतलब ऐसी राशियां जो किसी अन्य राशियों पर क्या करती हो, नहीं निर्भर करती हो। व्युत्पन्न राशियां ऐसी राशियां
जो अन्य राशियों पर क्या करती हो, निर्भर करती हो, और मूल राशियों की ही मात्रा को क्या कहते हैं, मूल मात्रा कहते हैं, जबकि व्युत्पन्न राशियों की मात्रा को क्या कहते हैं, व्युत्पन्न मात्रा कहते हैं। इस प्रकार आपको याद होना चाहिए कि लंबाई का मात्रक क्या होगा, द्रव्यमान का मात्रक होगा, समय का क्या मात्रक होगा, ताप, विद्युत धारा, ज्योति, तीव्रता, पदार्थों की मात्रा का मात्रक क्या होगा।